अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगातार सीए और एनआरसी का विरोध कर रही है, लेकिन ओवैसी के ही मंच पर एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाकर हर किसी को सकते में डाल दिया। हालांकि ओवैसी ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन बीजेपी ने कई सवालों का जवाब मांगा है। उधर पाकिस्तान के लिए नारा लगाने वाली लड़की के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी के मंच पर जब एक लड़की ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी शुरू की तो हर कोई सन्न रह गया, खुद ओवैसी अवाक रह गए। अपने मंच से पाकिस्तान का गुणगान सुनकर पीछे खड़े ओवैसी ने आनन फानन में पहुंचकर लड़की को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक कमान से तीर निकल चुका था। सियासी विवाद की तरंगे उठनी शुरू हो गई थी। बीजेपी ने अब ओवैसी से सवाल पूछा है कि कहीं ये प्रायोजित तो नहीं। बीजेपी मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने तुरंत आरोपी लड़की अमूल्या लियोना का एक वीडियो ट्वीट किया और आशंका जाहिर की कि जो दिख रहा है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। इसका फेस बन गई हूँ मीडिया के बदौलत से, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज काम करते हैं और वो जो एडवाइजर्स देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है। कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं। अमूल्या का ये वीडियो 21 जनवरी का है जिसमें उसने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं, जिसे अमित मालवीय ने जारी किया है। फिलहाल पाकिस्तान समर्थित नारा लगाने वाली लड़की अमूल्या लियोना के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अमूल्या की अब कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन इससे पहले कि विवाद चिंगारी से शोले में तब्दील हो जाए, ओवैसी ने झट से अपनी ओर से सफाई पेश की। मैं इसको कंडेम करता हूं और ये लोग पागल हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत है ना ही, इनको करना है जाकर और जाकर करें, यहाँ क्यों आए कर रहे हैं लोग, ये कंडेमनेशन है, मैं इसका कंडेम करता हूँ, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए इस तरह की हरकत को। अमूल्या के विवादित नारों को सुनकर न सिर्फ राजनीति सुलग रही है बल्कि खुद उसके पिता ने बेटी के बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। चिकमंगलुरु में पिता जेडीएस के नेता हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटी के बयान से लेना देना नहीं। पाकिस्तान मंच चूंकि ओवैसी का था, लिहाजा इसे मुद्दा बनाने में एबीवीपी ने जरा भी देर नहीं की। बेंगलुरु में एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया। विवादों में रहने वाले हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने भी विरोध के नाम पर मर्यादा तोड़ी। इडी देश ई वायरस संबंध पट्टा ई देशद्रोही वायरस संबंध पट्टा योचने ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ। ಇವಳನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಹಾಲಾಕಿ ಓವೈಸಿನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಮರ್ಥಿತ ನಾರೇಬಾಜಿ ಕಿ ನಿಂದಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಅಪ್ನಿ ಸಫಾಯಿ ತೋ ದೇ ದಿ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಮಂಚ್ ಉನ್ಹೀ ಕಾ ಥಾ, ಲಿಹಾಜಾ ಇಸ್ ಪರ್ ಕಿತನಾ ಭಿ ಪಾನಿ ಡಾಲಾ ಜಾಯೆ ಸಿಯಾಸತ್ ತೋ ಅಬ ಔರ್ ಭಡಕ್ ಕರ್ ಹೀ ರಹೇಗಿ। ಯೆ ಮೇಡಮ್ ಕೆ ಸಮರಾ ಕೋಯಿ ತಾಲ್ಲುಕ್ ನಹಿ ಹೈ, ಹಮ್ ಇಸ್ ಕಂಡೆಮ್ ಕೋ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೆ ಕಂಡೆಮ್ ಕರ್ತೆ, ಯೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಹಿ ಬಲ್ಕಿ ಗಲತ್ ಹೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್। बेंगलुरु से नोलन पैट्रिक पिंट्रो के साथ आज तक ब्यूरो।